गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में आज हमारी एक बहुत ही रोचक कविता है जिसका नाम है मकड़ी ककड़ी लकड़ी। इस कविता में हमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो बोलने में बहुत अटपटे हैं लेकिन इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी जब इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो आप भी इन्हें ढंग से बोल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता जिसका नाम है मकड़ी ककड़ी लकड़ी। हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक जाला दिखाई दे रहा है मकड़ी का, उसके अंदर मकड़ी आराम से बैठी है और ककड़ी खा रही है, स्वाद ले रही है ककड़ी का। तो आइए पोयम शुरू करते हैं। हमने तीन चीज़ें देखी दादा, तीन चीज़ें देखी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। इसमें बच्चे अपने दादाजी से कहते हैं कि दादाजी आज हमने तीन चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ एक डाल पर एक मकड़ी बैठी थी। दूसरी लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, लकड़ी के ऊपर मकड़ी अपना जाल बनाए हुए थी उसमें बैठी हुई थी और मकड़ी ककड़ी खा रही थी। बच्चों ने तीन चीज़ें देखी, एक डाल पर एक पेड़ की डाल पर मकड़ी को देखा, लकड़ी में बैठी हुई मकड़ी को देखा और ककड़ी खाते हुए मकड़ी को देखा। अब इन्होंने इसको कैसे बोला है, लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते शब्द हैं जो कि बोलने में हमें उलझा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। बच्चे अपने दादाजी को बता रहे हैं कि आज उन्होंने जो चीज़ें देखी वो क्या थी। अब दूसरे उसमें हमने तीन चीज़ें देखी दादा, तीन चीज़ें देखी, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। इसमें भी बच्चे अपने दादाजी से कह रहे हैं कि हमने आज तीन चीज़ें देखी कि एक खेत की में बहुत सारी बालू, कहते हैं रेत को, रेत थी, रेत पर एक भालू बैठा हुआ था और वह आलू खा रहा था। ये हमें पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि एक भालू बहुत सारे आलू रखे हैं उनमें से खा रहा है। तो अब देख लेते हैं, बच्चे दादाजी से कह रहे हैं कि दादाजी हमने आज तीन चीज़ें देखी जो बहुत अलग थी, एक खेत में कुछ रेत थी, उस रेत के ऊपर एक भालू बैठा हुआ था और वह आलू खा रहा था। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू, रेत भालू और आलू को देखा, भालू आलू और बालू को देखा, आलू बालू और भालू को देखा। ये तीन चीज़ें बच्चों ने देखी और उन्होंने अपने दादाजी को इसके बारे में बताया। अब एक बार शुरू से हम पूरी पोयम एक साथ पढ़ लेते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। इस मकड़ी के बारे में है, हमने तीन चीज़ें देखी दादा, तीन चीज़ें देखी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। हमने तीन चीज़ें देखी दादा, तीन चीज़ें देखी, एक खेत में थी कुछ बालू,
बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू, बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। तो यह थी आज की बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग पोएम। आपको इस पोएम को अपनी नोटबुक में लिखना है, पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है, और आपको ये पोएम याद करनी है। इसे पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, बाय।